नमस्कार, मैं अदिति जायसवाल, आप देख रहे हैं टीसीपी 24 न्यूज। आज हम लेकर आए हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरें कवर फटाफट। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र का आज पहला दिन, सुबह 11 बजे राज्यपाल अनुसुईया उइके के भाषण से इसकी शुरुआत हुई। सदन के पहले दिन दिवंगत पूर्व सांसदों विधायकों के साथ लता मंगेशकर को भी श्रद्धांजलि दी गई। इस सत्र में 13 बैठकें होनी है। इसे अब तक का सबसे छोटा बजट सत्र बताया जा रहा है। नीलांजना बनी सारेगामा पा की विजेता। मशहूर सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामा पा का सुरीला सफर आज खत्म हो चुका है। शो ने सीजन के विनर का नाम घोषित कर दिया है। प्रसारित हुए शो के ग्रैंड फिनाले में पश्चिम बंगाल की नीलांजना सबसे ज्यादा वोट के साथ विजेता बन गई हैं। शो की विजेता बनी नीलांजना को एक चमकती ट्रॉफी और 10 लाख रुपए का चेक भी दिया है। सोने चांदी की कीमतों पर आया बड़ा उछाल। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का असर सराफा बाजार में साफ देखने को मिल रहा है। दोनों देशों के बीच इस संघर्ष का आज 12वां दिन है और शेयर बाजार कच्चे तेल से लेकर सोने की कीमतों पर इसका असर दिख रहा है। MCX पर आज सोने की कीमत 53,000 के पार पहुंच गई है। इसमें 1.99% की तेजी आई है और सोने का दाम 53,605 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से की बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से करीब 35 मिनट तक बात की। इस चर्चा में पीएम मोदी ने यूक्रेन के भारतीय को सही सलामत निकालने के लिए जेलेंस्की का आभार जताया। साथ ही पीएम ने रूस से जारी युद्ध को लेकर भी जेलेंस्की से बातचीत की है। दर्शकों की खचाखच भीड़ के बीच होगा पिंक बॉल टेस्ट का मुकाबला। भारत और श्रीलंका के बीच डे नाइट टेस्ट खेला जाएगा। मोहाली का मैदान 3 दिन में जीतने के बाद अब बारी है बेंगलुरु में श्रीलंका का क्लीन स्वीप करने की। एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम पर मुकाबला जरा हटकर होगा क्योंकि यह पिंक बॉल से खेला जाएगा। इस मुकाबले के लिए टिकटों की सेल शुरू हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को बड़ा झटका। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। मुंबई महानगर पालिका ने नारायण राणे को जुहू स्थित बंगले में अवैध निर्माण को लेकर कारण बताओ नोटिस भेजा है। अधिकारियों को नारायण राणे के बंगले का कंस्ट्रक्शन अवैध मिला था। इस पर नारायण राणे से जवाब मांगा गया। BMC ने नारायण राणे को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया है। श्रीनगर में हुए ग्रेनेड हमले में अब तक 2 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने नापाक हरकत दिखाते हुए श्रीनगर में अमीरा कदम बाजार में ग्रेनेड अटैक कर दिया। सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर इस हमले में एक पुलिसकर्मी सहित 24 लोग घायल हुए थे। इस बीच ग्रेनेड हमले में अब तक 2 लोगों की मौत हो गई है। हमले के बाद सुरक्षा बल एक्शन में आ गया है और इलाके में घेराबंदी करते हुए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। प्रेशर बम की चपेट में आया एक जवान। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सली द्वारा लगाए गए प्रेशर बम की चपेट में आकर जिला पुलिस बल का एक जवान घायल हो गया। यह घटना जिले के धुर नक्सल प्रभावित इलमिड़ी थाना क्षेत्र में आज घटित हुई। जिला अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा है। घायल जवान खतरे से बाहर है। योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर पे की पूजा अर्चना। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का आज अंतिम चरण है। मतदाताओं में उत्साह है, खासतौर पर माताओं बहनों में सुरक्षा और गरीबी कल्याणकारी योजना को देखकर जो उत्साह देखने को मिल रहा है। मेरी सभी मतदाताओं से अपील है कि इसमें अधिक से अधिक संख्या में जाकर मतदान करें। अनुपम खेर दे रहे युवाओं को कड़ी टक्कर। अनुपम खेर का आज जन्मदिन है। आज वे 67 साल के हो गए हैं। जन्मदिन के मौके पर अनुपम ने अपने इंस्टाग्राम पर 2 फोटोज शेयर की है। उनके शेयर की फोटोज में एक कलर तो दूसरी ब्लैक एंड व्हाइट है। इन फोटो में शर्टलेस होकर अपनी धासु बॉडी दिखाते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने खुद को बर्थडे विश भी किया है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। और भी ऐसे ताजा और लेटेस्ट न्यूज के लिए बने रहे टीसीपी 24 न्यूज के साथ।